पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, कुंडली। जब तुम 16 साल की थी तब तुम्हारे पिताजी को इनकम टैक्स की चोरी के केस में जेल जाना पड़ा था। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। लेकिन आपको, तुमने कॉलेज टाइम में एक और बड़ी गलती करी थी। अब कैसी गलती पंडित जी? एक नल्ले इंसान की शक्ल देखकर तुमने उससे शादी कर ली और अब वो किसी काम का नहीं निकला तो रोती फिर रही हो। कमाल है पंडित जी, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको किसी ने मेरे बारे में सारी डिटेल्स दे के रखी है। सब यही कहते हैं हमसे। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? पंडित जी, इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। अपने नल्ले पति के बारे में पता करने आई हो? सिर्फ पता करने नहीं आई हूँ मैं ना, इसका कुछ सोल्यूशन भी चाहती हूँ। पंडित जी, मैंने उसे समझा के देख लिया, प्यार से समझा के देख लिया, गुस्से से समझा के देख लिया, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र भी आजमा के देख लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं ना उसके नल्लेपन से ना बस परेशान हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, अपने घर में जितना कूड़ा करकट है सब निकाल लो और बाहर फेंक दो। क्लीन कर लो अपना पूरा घर। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सो क्लीन द मेस। देखो क्या है कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का जो भाग्य है वो दुर्भाग्यवश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और तुम्हारे पति के नल्लेपन की सबसे बड़ी वजह है घर में जमा कूड़ा करकट। क्या है कि राहु तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है और उसने खुद को और तुम्हारे भाग्य को एक साथ एक कमरे में कैद कर लिया है, लॉक कर लिया है और उस लॉक की चाबी को उसने तुम्हारे पति को खिला दिया है और वो चाबी तुम्हारे पति के गोटी में अटक गई है। गोटी पेटुए में अटक गई है। वो इस कदर अटकी है कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही और ना उसे निकाला जा सकता है। तो क्या निकाला जाए? घर में जमा कूड़ा करकट। जी पंडित, लेकिन उसके अलावा तुम्हें एक और काम करना होगा। कौन सा काम? जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे नजदीक आए या नजदीक आने की कोशिश करे, उसे नजदीक नहीं आने देना है। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इसका फायदा तो होगा ना? अवश्य। पंडित आरामफल के टोटके कभी फेल नहीं होते। अरे बे, कौन है बे? अरे भाभी जी आप, भाभी जी ध्यान से डालिए, हम भी खड़े हैं राहों में। अब अरे तिवारी जी आप, सॉरी आप मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, क्या है कि आज हमने प्रण लिया है कि दिवाली के दिन हम मॉडर्न कॉलोनी को एकदम चकाचक कर देंगे। इतना चकाचक कर देंगे कि सैटेलाइट से देखने के बाद कानपुर के नक्शे में मॉडर्न कॉलोनी एकदम साफ सुथरी लगेगी। अरे हाँ, आपने तो बताया था और ख्याल भी काफी नेक है। लेकिन एक बात बताइए तिवारी जी, आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? हमारी प्रेरणा स्रोत तो आप हैं भाभी जी, हमारी हर समस्या का हल। नहीं नहीं तिवारी जी, मुझे अपनी प्रेरणा का स्रोत मत बनाइए। क्यों भाभी जी? इनफैक्ट मेरा घर तो अंदर से काफी गंदा है। ये जो मेरा पति है ना विभू, इसने पूरे घर को कचरे का डब्बा बना दिया है। अरे भाभी जी, ये जो चचा भतीजा है ना, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं, काम धाम करना नहीं जानते। हम तो कहते काहे झेल रही हैं आप, इन्हें निकालो, बाहर कीजिए। किस लिए भाभी जी? इसलिए क्योंकि इन लोगों से आप परेशान रहती हैं ना। मैंने पूछा आप अभी तक किस लिए नीचे खड़े हैं? क्या कर रहा है बे? सफाई कर रहे हो भाभी जी, कहा ना आपसे। आप भी लाइए, जितना कचरा है डाल दीजिए, हम तुरंत ही साफ कर देंगे। भाभी जी डालिए डालिए। आपने हमने ये जो कचरा डाला, डॉक्टर साहब, प्रेम भैया, अरे आइए महाराज। यहाँ क्या हो गया महाराज साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों? इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अबे हो मास्टर, अगर इन लौंडों के अंदर संस्कार होता तो अब तक कॉलोनी में लाइटिंग न लग गई होती। ये साले किसी काम के नहीं है, और सालों को कोई काम बोलो तो इनके गुर्दों में दर्द होता है। अब तक मेरे घर पर भी लाइटिंग नहीं लगी है। हाँ। प्रेम भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये मां साहब, ये दोनों लौंडे हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। काम के न काज के दुश्मन अनाज के। भाई हम तो कहते हैं इन दो कौड़ी के लौंडों को निकाल बाहर करो और कोई ढंग के लौंडों को रखो। तमीज नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? और बकवास बंद करो और हमारी सुनो। ऐसे खंभों पे खुले में लाइट लगाने पे करंट लग जावे, रिस्क होवे, मजाक काम ना आए, अच्छो के गुर्दे मुंह को आ जावे, पूरा तेल निकल जाता है, वो भी सरसों को, और ऊपर से कोई तनख्वाह ना देता है हमारी। अबे ओ निकम्मे मुंह वाले लौंडों, साले पहले काम तो करो तब तनख्वाह मिलेगी ना, पहले पूरी कॉलोनी सजाओ। हाँ। ओ भेड़िए भैया, हम जानते कितनी तनख्वाह दोगे तुम, 58-54 पकड़ा दोगे ससुर। तनख्वाह के लिए मरे जा रहे हो, इस कॉलोनी के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, है? और इसी मोहल्ले में तुम लोग रहते हो, आखिर कॉलोनी के प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज है कि नहीं है? हाँ, इन लौंडों का तो एक ही फर्ज है, कॉलोनी को लूट लेना। हाँ। आदमी 4 पैसे खर्च करके कोई काम करवाता है ना, वहां के सामने कितना भी अच्छो काम कर लो, बस खोटी नजर आते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी साबित हो जाएगा कि हमने कैसा काम किया है। रूसा जान, जरा बताना इन लोगों कि हमने कैसा काम किया है, बताइयो। अरे होल्ड, मुझे सबको मेरे स्टाइल में हाय तो बोलने दो। हाय बॉयज। हाय भाई, बाद में बोलियो, पहले ये बताओ कि हम हैंडसम लौंडों की हैंडसम लाइटिंग कैसी लग रही है तुमको? वाव, बहुत ही घटिया लाइटिंग है ये। प्लीज डोंट माइंड, एंड इफ यू वांट टू माइंड यू कैन माइंड, बिकॉज यू डोंट हैव अ माइंड टू माइंड। तो ये जो लाइटिंग की है ना, इसमें तुम लोगों को 0 एक्सपीरियंस है। आई मीन वेरी बैड, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। क्यों बे लौंडो, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। अनु, अनु, हेलो, क्या है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तूने तो डरा दिया था मुझे। हा? मुझे लगा कोई चुड़ैल खड़ी है। यू लुक लाइक चुड़ैल। चुड़ैल लग रही हूँ मैं तुम्हें? चुड़ैल लग रही हूँ? नहीं नहीं, वो बात नहीं, बट यू लुकिंग लाइक अ चुड़ैल। और किस जमाने का ये रेडियो रखा हुआ है? और इस रूम में आने के बाद तो ऐसा लगा जैसे 1956 के जमाने के रूम में आ गई हूँ मैं। यू नो व्हाट, ये मेरे दादाजी की धरोहर है। भाड़ में गई तुम्हारे दादाजी के धरोहर। अरे इतने गरम क्यों हो रही हो? अगर गरम ही होना है तो आई हैव एन आइडिया। क्या ये क्या हरकतें, चीप हरकतें कर रहे हो, वाहियात बातें कर रहे हो? हाँ अनु, तुम तो हमेशा ही कहती थी कि मैं रोमांस नहीं करता, बड़ा अनरोमांटिक हूँ। अब मैं रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे धुतकार रही हो। दिस इज वेरी अनफेयर। एक मिनट, कहाँ रोमांस करूँ, कहाँ रोमांस करूँ? इस कचरे के डब्बे में? तुमने इस घर को घर नहीं, कचरे का डब्बा बना के रखा है। रोमांस करो। ये रोमांस करने वाले तो कहीं भी रोमांस कर लेते हैं, कचरे के डब्बे कर लेते हैं। टिंग 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 टिंग। Sorry. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Oh, मम्मी. रोमांस करना है कचरे के डब्बे में। यार समझ नहीं आ रहा ये टूटका कैसे पूरा करूं मैं यार। ये ताकत ही नहीं आ रही। भगवती जी कैसे बा? ठीक हूँ। आप कैसी? अब हम को बताएं कि हम कैसे हैं। आप तो हमारे पास आते ही ना ही हैं। पास तो ही हैं। आप सामने रहती हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, पर आप देखिए मेरे घर के पास ही तो हैं। यू आर राइट हियर, आई एम राइट हियर। पास कहाँ हुआ? तो फेल हुआ ना। पास का होता है आपको बताएगा? I know. Please आप वही रहिए, मेरे पास बताइए प्लीज। काहे हमें कांटे लगे हैं का जो आपको चुप जाएंगे? Oh God. भाभी जी हर बार मेरे सामने मोहब्बत की थाली परोस कर रख देती और मैं इतना मजबूर हो कि उस थाली में से एक निवाला तोड़ के नहीं खा सकती। How helpless I am. God, somebody kill me. मैं क्या करूं भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। मैं इस वक्त बेल पर लटके हुए अंगूर के गुच्छे को सिर्फ निहार सकता हूँ। I can't bite them. भगवती जी, आप हमारी तरफ पेट करके काहे खड़े हैं? देखिए ना हमारी तरफ। Look at me. भाभी जी I'm sorry भाभी जी, I'm sorry। आपकी अम्मा के रिश्तेदार के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। I don't like it. Hafiz is gone. अबे यहाँ वहाँ का देख रहा, अबे यहाँ देख। तू तो फिर से मैं ही हूं ना। अबे ये फिर से तू नहीं है, ये तेरा जमीर है फिर से। और सुन, ऐसा पंडित आरामफल ने कहा है वैसा ही करना। अगर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो बेटा जिंदगी भर याद रखना तुम उठाए फिरोगे। हाँ, party like a rock star, party like a rock star, yo baby। ये तो क्या कर रहा है? नहीं तो क्या कर रहा है ये? Can't you see? अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी। तू अय्याशी कर रहा है? इसे कहते हैं अय्याशी। अच्छा, तुम तो कर नहीं सकते बिकॉज तुम जलील आदमी। Hello, my sweet pug. I'm hungry. You hungry? I know. She's looking hungry. Sell me a pasta. Voglio mangiare questa pasta. Si certo. It's not a pasta, it's a past time. Pasta बोल रहा है। टाइम है बेटा, सुधर जा इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। बीवी को प्यार कर, बीवी पे ध्यान दे, स्पेंड टाइम विद हर। गुड। अगर बीवी ने छोड़ दिया तो नल्ले के साथ साथ तेरे नाम के साथ बहुत कुछ और भी जुड़ जाएगा। Party like a rock star, party like a rock star, party like a rock star, party like a rock star. क्या कर रहे हैं आप ये? गटर के कीड़े तो साफ कर दिए, अब समाज के कीटाणु साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। गटर के कीड़े मकोड़े साफ करने से आपको फुर्सत मिल जाए तो घर पे ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कीमती चीज साफ हो जाए आपकी। दूसरे की दुकान पे क्या चल रहा है ये जानने की बड़ी खुजली मची रहती है आपको। कीमती सामान तो आपके घर में भी है, जरा उसकी तरफ भी ध्यान दे लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर का कीमती सामान साफ करने के चक्कर में आपके घर का कीमती सामान बाढ़ में बहते बहते अमेरिका पहुंच जाए। क्या बकवास करी आपने? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके घर में सैलाब आए इसकी दुआएं होती रहती हैं। वैसे माफ कीजिएगा, आपको भी दूसरों की हंडिया में झांकने का बड़ा शौक है, वरना इतनी जानकारी आप मुझे देते नहीं। वैसे आपकी कीमती चीज में और मेरी कीमती चीज में सिर्फ इतना फर्क है कि आपकी जो कीमती चीज है ना, मेरी तरफ कूद कूद के उछल उछल के आ रही है, तो जरा अपने कीमती चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या बताएं आपको कि हमारी कीमती चीज को कहा गया है कि वह आपकी तरफ उछल उछल कर आए, वरना तो आप जैसों पर वो थूके भी ना। अब चुप, काम कर अपना। आज तक परिमल को पत्तों में हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन आपने तो परिमल की खोपड़ी हिला दी। कौन सी घुट्टी पी कर आए हैं? अरे मैं भाई कोई घुट्टी उट्टी नहीं पी के आया, मैं हारने आया हूँ। फिक्र मत कीजिए, आपकी ये तमन्ना भी मैं बहुत जल्द पूरी कर दूंगा। अच्छा चलिए। एक मिनट, इस बार ब्लाइंड गेम होगा। ठीक है, ब्लाइंड सही है ना? मेरी 10,000 की चाल। क्या बात है जनाब, इस बार तो आप फुल मूड में लग रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं आपके सारे कपड़े उतरवा दूंगा। हाँ तो उतारिए ना कपड़े, मैं तो चाहता हूँ कि गेम में कोई मेरे कपड़े उतार दे। उतारिए कपड़े, उतारिए 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 कपड़े, उतारिए उतारिए। ये रही मेरी 20,000 की चाल। 30,000 की चाल। मेरी 50 की। 60,000 की चाल। शो। शर्माइए मत, अभी तो आपके कपड़े उतरेंगे। अरे दे मां साहब, देख रहे हैं आप? क्यों लौंडो, ये क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे काम चल लिया है और तांत्रिक कह रही है कि टाइम पास चल लिया है। डॉक्टर तो खुद ही टाइम पास है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है, नहीं है संस्कार। क्या कर लोगे, ये गुइयां ना कर पाएंगे। इनसे तो मास्टरनी का कुछ ना बिगड़ा, संस्कारी बने फिरते हैं बहुत। ले एक और शैताना को। क्यों बे लौंडो, अभी तक लाइटिंग ही लगा रहे हो? हाँ, तुमसे लाइटिंग नहीं लग रही इतनी जल्दी। टाइम पास कर रहे हैं, खुद ओवर टाइम में दे रहे हो और हमसे कह रहे हो टाइम पास चल लिया है। भाई ये प्रेम काम चल लिया, खुद देखो काम चल लिया है। अबे लेकिन सालो लौंडो, कॉलोनी की इज्जत का सवाल है। हाँ, कॉलोनी की इज्जत को ठेको तो हमने ले रखा है, यू बर्गर ऑफ। हाँ वैसे भी मॉडर्न कॉलोनी हमें लाखों रुपया दे रही है इस काम का। हाय, क्या चल रहा है यहाँ पर? टाइम पास हो रहा है। तेरी ये आ गई हमारी डार्लिंग। मेरा मतलब है हमारी दोस्त रूसा। रूसा रूसा हमारे साथ बड़ो अन्याय है रहा है। रूसा जान हमारे काम की कोई कीमत नहीं समझ पा रहा है। अबे साले लौंडो, तुम लोग कुछ अच्छा करोगे तब तो कॉलोनी तुम लोग के बारे में अच्छा सोचेगी ना। अगर तुम लोग अच्छा नहीं करोगे तो कॉलोनी क्यों तुम लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेगी? रूसा तुम ही बताओ, देखकर जरा बताओ ये साले लौंडा कैसा काम कर रहे हैं। बड़े प्रेम से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने टीटी को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? नहीं। क्या सोचकर दिया? अपने आड़े तिरछे चेहरों की तरह ये कैसी लाइट्स लगा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? अरे नहीं तो ये तक पता कि डेकोरेशन वर्ड कैसे लिखा जाता है। खाक डेकोरेशन करवा रहे हो आप इनसे। यूजलेस दे आर, यूजलेस। आप यूजलेस हो, काम करो काम। यूजलेस लौंडे, यूजलेस तेरी।